हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुषमा पाल, नेचुरोपैथी फिजिशियन एंड ड्रग कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टॉनिक के बारे में या फिर एक काढ़ा के बारे में जो कि सर्दियों में या फिर आप ये समझ लीजिए कि हर मौसम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रही हूँ महासुदर्शन क्वाथ के बारे में। ये देख लीजिए, ये डाबर का बनाया हुआ महासुदर्शन क्वाथ काढ़ा है जिसको बनाया गया है डाबर इंडिया लिमिटेड के द्वारा। फ्रेंड्स, ये जो महासुदर्शन काढ़ा है ये आपको अलग अलग ब्रांड में भी मिल जाएगा, जैसे कि ये डाबर का है, इसके अलावा बैजनाथ का भी आता है और कई दूसरी कंपनियां भी इसको बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है, इसलिए आपके लिए पूरी तरह सेफ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। फ्रेंड्स, आज कंप्लीट रिव्यू जानेंगे कि ये जो महासुदर्शन काढ़ा है इसका यूज़ कब कब करना चाहिए, क्या इसकी डोजेस फॉर्म होती है और कब इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज इजी सी वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें जिससे कि कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते वीडियो को। जब मैं बात कर रही हूँ डाबर के महासुदर्शन क्वाथ काढ़ा के बारे में, तो अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो फ्रेंड्स, ये 215 रुपये में लगभग 450 ml की बॉटल किसी भी मेडिकल स्टोर पर ईजिली मिल जाएगी। अगर आपको ये एलोपैथिक मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है तो आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर देख सकते हैं, वो ईजिली आपको वहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि डाबर बहुत ही बड़ा ब्रांड है और लगभग हर आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर ये अवेलेबल रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें कि ये जो महासुदर्शन क्वाथ काढ़ा है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, तो फ्रेंड्स इसमें त्रिफला ऐड किया गया है और इसमें गिलोय है, कुटकी है, जावित्री है। तो इस तरह से इसमें बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कंटिन्यू काफ़ी दिन से फीवर आ रहा है, वो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, आप पैरासीटामोल भी ले रहे हैं, आप एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, फिर भी आपका फीवर कम हो जाता है, उसके बाद में फिर से कंटिन्यू आना शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा महासुदर्शन क्वाथ काढ़ा दिया जाता है। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये जड़ से आपका जो भी फीवर है ये हर टाइप के फीवर को ठीक करने के लिए सक्षम होता है। चाहे आपको फ्लू हो गया है या फिर वायरल फीवर हो, चाहे फिर मलेरिया फीवर हो, किसी भी टाइप का फीवर अगर आ रहा है लगातार, तो आप अगर इस महासुदर्शन क्वाथ काढ़ा का यूज़ करते हैं तो पूरी तरह से आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बारे में आप जान लेते हैं कि कब कब इस जो महासुदर्शन काढ़ा है कब कब इसको देना चाहिए। तो अगर आपको जॉइंटिस की प्रॉब्लम है या पीलिया हो गया है, लीवर फंक्शन अगर अच्छा नहीं रहता है, उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर भूख आपको कम लगती है, डाइजेशन आपका अच्छा नहीं रहता है, तो भी डॉक्टर के द्वारा महासुदर्शन काढ़ा दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, ब्लड की कमी है आपके शरीर में, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सर्दी खांसी जुखाम बना रहता है तो भी आप इस सिरप का या फिर इस काढ़े का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर फ्लू है, वायरल है, मैंने बताया आपको, किसी भी टाइप का, चाहे टाइफाइड फीवर है, वहाँ पर भी ये ठीक करने में पूरी तरह से आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके यूजेस हो गए कि कब कब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके डोजेस फॉर्म की बात करें कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स ये जो महासुदर्शन क्वाथ काढ़ा है ये 15 से 30 ml आप दिन में दो बार यूज़ कर सकते हैं। बट जो इसका यूज़ करने का सही तरीका होता है वो आपको आफ्टर मील लेना होता है, मतलब आप खाने के बाद में आप 30 या 15 ml जो भी लेते हैं उसके इक्वल क्वांटिटी में आपको वाटर मिक्स करना होता है। अगर आप 15 ml इस काढ़े को यूज़ कर रहे हैं तो आप 15 ml वाटर लीजिए, दोनों को मिक्स करके तब आप उसका यूज़ करिए। अगर आप 30 ml ले रहे हैं तो 30-30 ml आपको पानी ऐड करके तभी इसका यूज़ करना है। तो ये तो फ्रेंड्स हो गई डोजेस की। ये जो डोज मैंने बताई ये एडल्ट के लिए डोज है। अगर कोई बच्चा है तो आप डॉक्टर के कंसल्ट पे ही इसका यूज़ करें, क्योंकि बच्चे की एज, उसके वेट पे डोज ये डिपेंड करती है कि आपको कितना देना है। बिना डॉक्टर के सलाह आप बच्चे को इसका यूज़ ना कराएं, अपने आप बिल्कुल भी बच्चे को ना दें। या फिर कोई अगर प्रेग्नेंट महिला है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है,
तो भी आप बिना डॉक्टर के सलाह इसका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी महासुदर्शन क्वाथ काढ़ा के बारे में। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।